फिर से वहां ऊपर पास पे चढ़ना है भाई, कौन सा पास है पता नहीं, टंगलंगला तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, लाचुंगला हो सकता है, वहां चढ़े जा रहे हैं लोग। फाइनली पहुंच गए नक्कीला पास, 15,547 feet, यहाँ तो नहीं रुकना ना, सीधा आप थोड़ा सा डिसेंड करेंगे, देखो वो रोड बना हुआ, वहां आप नीचे उतरना है अपने को, पूरा पूरा रोड काफी ऊपर था भाई। नक्कीला पास की भी हाइट अच्छी खासी है, 15,500 feet। हाँ देखो तुम्हें करा देते हैं, इधर नीचे उतर के फिर से वहां ऊपर पास पे चढ़ना है भाई, कौन सा पास है पता नहीं, टंगलंगला तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, लाचुंगला हो सकता है, बट पहले नीचे उतरना है इस पहाड़ से, फिर दूसरे पहाड़ की चढ़ाई करनी है अपने को। सो अभी अपने को खासा मेहनत करनी है, जो एस्टिमेट गूगल बता रहा है वो बता रहा है करीब 5:30 का, और हमें उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक आध पांग में चाय वगैरह का ब्रेक अब अपने को चाहिए यार, चाय पीने का मन हो रहा है भाई। नेक्स्ट लेवल है ये पहाड़ सीरियसली, और ये एक कोई ट्रक गिरा हुआ है, ट्रक तो नहीं गिरा हुआ, ओम लिखा हुआ है इस पे। बाकी अपने को इस पहाड़ से नीचे उतरना है वहाँ, और फिर ऊपर उस तरफ फिर से चढ़ाई शुरू करनी है, आई थिंक वो लाचुंगला होगा। सो चलते हैं अब। अरे ये देखो जीप भाई, देखो क्या लिखा है, जाट, ओम शाबाश। हरियाणा वाले भी भाई जबरदस्त हैं आदमी भी वैसे तो। वहाँ नीचे उतरना है अपने को, और फिर वो दूसरा पहाड़, वहाँ वो दिख रही है मुझे गाड़ियाँ, 3x जूम करके देखो वो चढ़ रही, बिल्कुल छोटी सी कीड़ी जैसी, वहाँ चढ़ना है भाई, बहुत दूर है अभी ले, वहाँ चढ़े जा रहे हैं लोग, वहीं जाना है अपने को भी। डिसेंट शुरू हो चुका है, कुछ तो दिखे नीचे, चाय पानी का हिसाब किताब, बाकी देखते हैं। अब वॉशरूम भी जाना है, ये एक बड़ी समस्या है वैसे इस रूट पे, है ना, और मतलब लड़के तो यार फिर भी कर लें वॉशरूम कहीं इधर उधर, लड़कियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ 100-100 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं। अब सरचू में था उसके बाद, अब यहाँ पे थोड़ी दूर पे दिखे हैं, और उसमें 2-2, 3-3 घंटे हो जाते हैं। बाकी फिलहाल अब नीचे उतर रहे हैं भाई, कौन सा पास था, नक्कीला पास से अब नीचे उतरना शुरू किया, फिर इसके बाद दूसरा पास चढ़ना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स पे भी कर रहे हैं और साइकिल पे भी कर रहे हैं बंदे, हिम्मत है यार, हैट्स ऑफ। बाकी यहाँ रुके, ये कौन सी जगह है आंटी, विस्की नाला, अच्छा पानी किधर होता है फिर इधर, नाला वैसे ही रखा हुआ है क्या नाम, अच्छा अभी नहीं है बारिश की, अच्छा विस्की नाला है ये। अब यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, वो जा रहे भाई बाइकर्स लाचुंगला, ओके यहाँ गाड़ी आराम कर रही है, हाल भाल बिल्कुल सफेद टायर हो गए, इतने रेत में से निकले हैं हम, कमाल हो गई है गंदी। बाकी फिर चढ़ाई शुरू करेंगे टुवर्ड्स लाचुंगला भाई, यहाँ विस्की नाला पे वॉशरूम का जुगाड़ है, और ये भी हाइट ना बहुत ज्यादा है, ये वैसे ही कम लग रहा है, 4600 meter हाइट पे हम, तो x3.3 कर लो, हाइट 14,000 feet के आसपास होगी। फील हो रहा है इधर भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चलने पे कि ऑक्सीजन कम है, जो पूर्वी कार में ही बैठा है, और विस्की नाला है जगह का नाम। इतनी ऊपर आ गए हम वहां नीचे से, यहाँ फर्स्ट पे ही चढ़ाऊंगा मैं गाड़ी, क्योंकि स्टीप है और खराब रोड है। और भाई आप लोग
अब अपन लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स लाचुंग ला पास, जो कि विस्की नाला पे, जो जिनका टेंट था वो बता रहे थे कि रोड अभी थोड़ा सा ऐसा ही है, उसके आगे फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। 30 किलोमीटर और रोड ख़राब है, तो देखते हैं कहाँ तक मिलता है रोड ख़राब। उसके बाद तो डबल लेन बोल रहे थे, बिल्कुल ही ख़राब पैच आ गया, कई किलो धूल खा चुके हैं अब तक। देखो क्या क्लास लग रहा है वैसे देखने में रोड, लेकिन उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस है, और जिसको सही में एडवेंचर पसंद है ना भाई, उन्हीं लोगों के लिए है ये रोड, वरना तो मत ही आओ, फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, कैब में घूमो। अब बचा है लाचुंगला, 2 किलोमीटर ही है लाचुंगला, तो पहुंच गए हम लाचुंगला पास। बाकी ये बड़ा सीनिक लग रहा है नीचे मेरे को भाई, जब से घाटा लूप्स वाला सेक्शन शुरू हुआ है ना, उसके बाद से रोड मतलब काइंड ऑफ खराब ही है। एक आधा छोटा मोटा पैच है जो ठीक ठाक है, बाकी घाटा लूप से, और अपने को घाटा लूप मेरे ख्याल में 2 घंटे तो हो गए होंगे घाटा लूप हमने चढ़ना शुरू किया था, तब से ये रोड ऐसा ही है। आपको वीडियो में पता लग ही रहा होगा कैमरा से कैसे पूरी गाड़ी और बॉडी और फोन सब हिल रहा है। बाकी लाचुंगला पहुंचने वाले हैं, बस 1.5 किलोमीटर बचा होगा, और हाइट हम चल रहे हैं अभी भी 4800 मीटर पे, सो हाइट तो कम नहीं हो रही है। फिलहाल पहुंच गए हैं लाचुंगला, 16,600 फीट।